प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रथम कक्षा के लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके रिमझिम एक का आठवां पाठ किया था, जिसका शीर्षक था चूहो म्याव सो रही है, यह एक कविता थी। तो आज हम लोग इस कविता के कुछ प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं क्या है प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी कर। इस प्रकार के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास हम लोगों ने पहले भी किया है, तो चलिए फिर से एक बार करते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियों के अधूरे भाग दिए गए हैं, क्या करना है, उन्हें पढ़कर आपको पंक्ति पूरी करनी है, ठीक है? तो जैसे देखिए, पहला कौ है घर, इसके बाद वाली लाइन क्या होगी आपको लिखनी है। तो चलिए करके देखते हैं। घर, घर के पीछे, घर के बाद, घर के बाद क्या होगा, घर के पीछे, घर के पीछे, ठीक है, घर के पीछे। फिर उसके बाद है छत, फिर इसके बाद क्या होगा, छत के नीचे, घर के पीछे, छत के नीचे। फिर उसके बाद वाली लाइन लिखेंगे, यानी उसकी बाद वाली पंक्ति लिखेंगे, क्या होगा, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे ठीक है, पाँव पसारे के बाद वाली लाइन लिखेंगे, पूंछ सवारे, पूंछ सवारे, पूंछ सवारे, ठीक है। तो यह पंक्ति पूरी हो गई। अब ये वाली देखिए, देखो कोई के बाद वाली पंक्ति क्या होगी, देखो कोई मौसी सोई, हाँ मौसी सोई, देखो कोई मौसी सोई। फिर उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, नासों का अर्थ क्या होगा, नाक, नासों में से। फिर उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, नासों में से सांसों में से, ठीक है, क्या लिखेंगे, सांसों में से। ये भी पंक्ति पूरी हो गई हमारी। तो कह देखिए, इस प्रकार से करनी है पंक्ति पूरी, घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से। अब देखिए, ख को उसी प्रकार पूरी करनी है, तो चलिए करके देखते हैं। मूछ, मूछ के बाद कौन सा शब्द होगा, मूछ मरोड़ो, मरोड़ो, मूछ मरोड़ो, इसके बाद पूंछ, पूंछ के बाद कौन सा शब्द होगा, पूंछ सिकोड़ो, सिकोड़ो, मूंछ मरोड़ो, पूंछ सिकोड़ो। फिर उसके बाद वाली पंक्ति लिखनी है, नीचे उतरो, नीचे उतरो,
नीचे उतरो, उसके बाद वाली पंक्ति क्या होगी, नीचे उतरो चीजें कुतरो, चीजें कुतरो। फिर उसके बाद है यह लाइन दी गई है आज हमारा, उसके बाद वाली लाइन लिखनी है आज हमारा राज हमारा। उसके बाद वाली पंक्ति क्या होगी, करो तबाही जो मन चाही, करो तबाही आज हमारा राज हमारा, करो तबाही उसके बाद वाली लाइन जो मन चाही, जो मन चाही। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें अधूरी पंक्तियों को पूरी करनी है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ, पंक्तियाँ पूरी हो चुकी है। देखिए, क घर के पीछे छत के नीचे, पाँव पसारे पूत सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सासों में से। अब ख देखिए, मूछ मड़ोड़ो पूत सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाहे। इस प्रकार से कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तो बच्चों, तो आज के लिए तक, अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।